जानवी कपूर जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म जिसका अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है, एनटीआर 30 उसे कहा जा रहा है, जिसे कुलतलक शिवा डायरेक्ट करने वाले हैं। उस फिल्म का आज मुहूर्त रखा गया हैदराबाद में, रंगारंग कार्यक्रम में रखा गया। और इस कार्यक्रम में जो मुहूर्त शॉट दिया, वो मुहूर्त क्लैप दिया, वो भी ऑस्कर विनिंग फिल्म, मैंने जिस फिल्म के गाने को मिला है नाटू नाटू, उसके डायरेक्टर हमारे ऐसे राजामौली साहब ने मुहूर्त क्लैप दिया। और इस इवेंट में आपको बता दूं कि प्रशांत नील भी मौजूद थे, जिसके साथ आगे आने वाले वक्त में काम करने वाले हैं हमारे एक्टर जूनियर एनटीआर। और प्रशांत नील को भला कौन नहीं जानता है, केजीएफ सीरीज के करता धरता है वो। और यहाँ पर प्रकाश राज भी इस इवेंट में मौजूद थे, सीधी सी बात है वो जूनियर एनटीआर की इस फिल्म का हिस्सा ज़रूर है। और इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि जानवी कपूर पहली दफ़ा साउथ इंडस्ट्री में अपने कदम रख रही है, और आज मुहूर्त शॉट के इवेंट में वो ग्रीन साड़ी में एकदम ब्यूटीफुल लग रही थी। और उन्हें देखकर ये ज़रूर लगा कि हमें श्रीदेवी नज़र आई, ठीक है। और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, ओवर द टाइम मुझे ऐसा लगता है श्रीदेवी के मकाम, ऑफकोर्स कंपेयर तो करना गलत है, लेकिन एक बड़े मकाम पर जाएंगी उनकी बेटी जानवी कपूर, मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने अपनी एक्टिंग का परिचय अभी तक मनवाया है, एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो और जानवी कपूर के कैरियर को और ज़्यादा अच्छी उड़ान मिले, यही कहूँगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि जूनियर एनटीआर 30th फिल्म मुहूर्त इवेंट हैज़ बिन डन, पूजा हैज़ बिन डन। अब ये फिल्म बहुत जल्दी फ्लोर पर जाएगी। ये फिल्म के बारे में डायरेक्टर साहब ने सिर्फ इतना ही कहा है, कोरतल शिवा ने, एक कोई इंडिया के ऐसे आइसलैंड की कहानी, आइलैंड की कहानी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं गया। और इस चीज़ का मतलब साफ है कि पानी से इर्द गिर्द जुड़ी स्टोरी है, एक्शन उसका होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा मॉन्स्टर्स है, यानी कि शैतान है, उस तरह की जो कॉन्सेप्ट को लेके फिल्म बन रही है, यानी कि फुल ऑन एक्शन होने वाला है। बहरहाल आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और जूनियर एनटीआर जब अपनी बड़ी सी गाड़ी में उतर के आते हैं, प्यार से हग करते हैं, इतना कुछ होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो इंडस्ट्री है, अब जो सिनेमा है, उनके हाथों में, साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स एक्टर्स के हाथों में सुरक्षित है। बॉलीवुड ने तो काफ़ी हद तक अपना कबाड़ा कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बना रहे। जो कल एक फिल्म रिलीज़ होने वाली भीड़, वो भी बहुत ही कमाल की फिल्म होगी, और जिसके ट्रेलर से साफ लग रहा है। तो कुल मिला के इंडियन सिनेमा फ्लरिश हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। बहरहाल आपको ये कैसे लगे जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।